प्रकार का सहयोग रहेगा। हमने जितनी भी माइनॉरिटी पिकेट्स हैं हमारी सीआरपीएफ की, उनको लगातार हम लोग दौरा भी करते हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं साउथ कश्मीर में उनको हम सुरक्षित रखें। इसके लिए लगातार उनसे हम लोग संपर्क में भी रहते हैं और पुख्ता इंतजाम उनकी सुरक्षा के हम मुकम्मल करा रहे हैं, इसका मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, और उनकी सुरक्षा हर हाल में की जाएगी। सर, कितने मिलिटेंट हो गए अभी कश्मीर में? देखिए, ये कहना मुश्किल है, ये संख्या जो है वो घटती बढ़ती रहती है। अभी दो तीन दिन पहले ही तो बहुत ही एक्टिव जो लोकल टेररिस्ट थे आकेब और एजाज वो एनकाउंटर में मारे गए। तो लगातार फोर्सेज हावी हैं और एक बहुत अच्छे माहौल में मिलजुल के आर्मी जेकेपी और सीआरपीएफ हम लोग मिल के लगातार एनकाउंटर्स और काम कर रहे हैं, और उसके जो नतीजे हैं वो भी सबके सामने आ रहे हैं। ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जवानों के लिए भी कि उनको हम सुरक्षित रखें, और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पॉन्स व्हीकल है जिसका इस्तेमाल पिछले एनकाउंटर में किया गया, तो इसमें हमारे जवान भी सुरक्षित रहते हैं, और जो हमारा मकसद है कि बिना अपने को नुकसान ना हो के हम जो है दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर पाए, तो इसके लिए ये सीएसआरवी बुलेट प्रूफ जेसीबी और अन्य तमाम जो टेक्नोलॉजिकल हमारे इक्विपमेंट्स हैं, आर्मरीज हैं, एम्यूनिशन है, हर एक पे हम लोग को काफी बढ़ोतरी हो। नया आर्डर जो है सामने आया जिसमें बोला गया कि आर्मी को हिनालैंड से जो है उसको रिमूव किया गया है, अब सीआरपीएफ को सारी जिम्मेवारी दी जाएगी। सर, इस बारे में क्या कहना है? ये डिसीजन भारत सरकार का है, भारत सरकार जैसा हमें रोल देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। वर्तमान में भी जो रोल हमें दिया गया है उसमें हम लोग अपने पूरे दमखम से काम कर रहे हैं और आगे भी काम कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर।